बिहार के राजद के प्रधान महासचिव और बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख बिहार में अभी चुनाव टालने की मांग की है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पूरी परिस्थितियों से अवगत करा दिया है। राजद का मानना है कि जैसी परिस्थिति अभी बिहार में है, ऐसी परिस्थिति में बिहार में चुनाव संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि लाशों की ढेर पर चुनाव नहीं हो सकते। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब आप वर्चुअल रैली समय की मांग बता रहे हैं तो वर्चुअल रैली को सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के लिए उपयुक्त परिस्थिति चुनाव आयोग समझ रही है तो परंपरागत तरीके से चुनाव कराए, लेकिन लोगों की जिंदगी को आग में झोंक कर आप चुनाव कराना चाह रहे हैं तो यह उचित नहीं है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग को बिहार में चुनाव नहीं लड़ना है, लोगों के जीवन को जोखिम में डालकर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव नहीं चाहती। चुनाव आयोग को बिहार की पूरी परिस्थितियों से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने अवगत करा दिया है। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि जो परिस्थितियां हैं बिहार में, ऐसी परिस्थिति में चुनाव संभव नहीं है, लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं हो सकते हैं। अगर आप वर्चुअल रैली समय की मांग बता रहे हैं तो वर्चुअल रैली सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अगर आप चुनाव के लिए उपयुक्त परिस्थिति चुनाव आयोग समझ रही है तो परंपरागत तरीके से चुनाव कराए, लेकिन लोगों के जीवन और जिंदगी को आग में झोंक करके आप चुनाव कराना चाह रहे हैं, ये उचित नहीं है। चुनाव आयोग को बिहार में चुनाव नहीं लड़ना है। उन्होंने कहा कि राजद ने पत्र लिखकर सारी परिस्थितियों को चुनाव आयोग को अवगत करा दिया है। कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहां कोरोना का संक्रमण नहीं फैला है। उन्होंने कहा कि राजभवन, मुख्यमंत्री, आवास मंत्री, विधायक, कई चिकित्सक की जान जा चुकी है या वह संक्रमित हैं। ऐसी परिस्थिति में आप चुनाव पर आमादा हैं, लोगों की जान की चिंता आपको नहीं है। इसमें जनता की जान और जीवन जोखिम में डाल करके जनता के लाश के ढेर पर चुनाव, ये किसी कीमत पर राष्ट्रीय जनता दल नहीं चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग से निवेदन किया है, सारी परिस्थितियों से चुनाव आयोग को अवगत करा दिया है। कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहां कोरोना का संक्रमण नहीं फैला हुआ है। राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उप मुख्यमंत्री आवास, कई माननीय मंत्री हैं, कई माननीय विधायक हैं, कई चिकित्सक की जान जा चुकी है। ऐसी परिस्थिति में आप चुनाव पर आमदा हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको लोगों की जान की चिंता नहीं है। पटना से आशीष कुमार की रिपोर्ट।